आपका एक बार फिर स्वागत है, आप देखें न्यूज 11 भारत। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि विपक्ष परिचर्चा में हिस्सा ना लेकर संसद की कार्यवाही को बाधित करता है और आसन के साथ भी विपक्ष ने अपमानजनक व्यवहार किया है। दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी से मिलकर एम्स की मांग उन्होंने की है, साथ ही रांची के मोनोरेल की सुविधा की मांग उन्होंने की है। पहला ऐसा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री को नए मंत्रियों से परिचय भी नहीं कराने दिया और आप देखो कि किस कदर हो हंगामा। और राज्यसभा के अंदर तो हद हो गई, एक राज्यसभा के सांसद ने रिपोर्टर की टेबल पर चढ़कर एक बड़ी सी फाइल स्पीकर के आसन के सामने आप आसन पे फेंक दी। हमने एम्स पे माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह किया कि रांची राजधानी है और राजधानी में यहाँ से उड़ीसा, यहाँ से बंगाल, यहाँ से छत्तीसगढ़, यहाँ से मध्य प्रदेश, ऐसे जो बीमार लोग हैं, मरीज हैं, वो रांची आते हैं रिम्स में, लेकिन रिम्स में हमारे पास व्यवस्था उतनी तगड़ी नहीं है, इसलिए एक एम्स हमको रांची में मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि मोनोरेल का यहाँ पर व्यवस्था शुरू हो, अभी से काम प्रोजेक्ट अगर शुरू होता है तो आने वाले कई वर्षों में यहाँ पे लॉन्च भी हो सकता है।